अनाउंसमेंट्स रहे हैं नव वर्ष के साथ कि, और नव वर्ष से पहले भी कि चिरायु कार्ड बनेंगे और जो बन भी रहे हैं, या फिर राशन कार्ड में कुछ जो बदलाव आए हैं तो उस बारे में है। तो उस बारे में हमें आपको ये बताना है कि हमारे जिला झज्जर में अगर हम बात करें तो करीबन दिसंबर 2022 में 8384, मतलब 8384 राशन कार्ड थे सभी कैटेगरीज के टोटल। और नहीं, अंत्योदय कार्ड्स जो थे वो 8384 थे, बाकी टोटल जो हैं वो 84541 84541 थे। अभी जनवरी 2023 में ये संख्या 84922 है, मतलब कि 381 की बढ़ोतरी है जो टोटल कार्ड्स हैं, अलग अलग जो चार कैटेगरी के कार्ड हैं उसमें। अब मैं आपके माध्यम से ये क्लियर भी करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि राशन कार्ड में ऐसे कुछ कुछ लोग हैं जो कि अपात्र हैं, जिसका काटा गया है, बाकी कुछ बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके नए बने हैं। एंड ये एक बहुत नेचुरल सी बात है कि जिनके नए बने हैं वो आगे भी नहीं आ रहे हैं, या फिर उनकी इतनी कंसर्न भी नहीं है कि आगे आके उस बात को वो फैलाएं, परंतु उनको ज़रूर परेशानी हो रही है जिनका पहले से बना है पर अब उनको कटने का मैसेज आया है। पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ग्रीवंस है कि उनका जो कटा है वो ठीक नहीं कटा है। तो इसके लिए हमारा जो ऑफिस है उसमें हम ग्रीवेंसेज रजिस्टर कर रहे हैं। क्रिड हेडक्वार्टर से ही हमारे पास एक ग्रीवेंस डॉट ई दिशा डॉट जी ओ वी डॉट इन करके पोर्टल है जहाँ पे हम लोगों की ग्रीवेंस लगा रहे हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट उनको अपलोड कराना है ये बताने के लिए कि वो एक पात्र व्यक्ति हैं राशन कार्ड के लिए, उनकी जो आय है सालाना वो उनके परिवार की वो 1,80,000 से कम है, तो उस चीज़ की हम सारी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। ऐसे में हमारे ADC ऑफिस में ही 6 हेल्प डेस्क बनी हुई हैं जिसपे कि आदमी, मतलब जो लोग हैं वो तैनात हैं 9 से 5 ऑन एवरी वर्किंग डे। इसके अतिरिक्त हमने जेड क्रिम्स भी प्रति ब्लॉक में एक एक बिठा रखे हैं ब्लॉक और MC ऑफिस में। तो कुल मिला के हमारी 10 जेड क्रिम्स ऐसे हैं जो कि ब्लॉक्स में बैठे हुए हैं। तो कोई भी आदमी अगर उनके पास जाता है कि भाई मेरी 1,80 से कम है इनकम, परंतु फिर भी मेरा राशन कार्ड गया काटा गया है, तो उसकी वो ग्रीवेंस रजिस्टर कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर हम फुटफॉल की बात करें तो करीबन 3,000, मतलब 3,500 करीबन, एंड 3,318 फुटफॉल रहा है हमारा 1 जनवरी से लेके अब तक, सभी इंक्लूडिंग ADC ऑफिस एज वेल एज द ब्लॉक्स। उसमें से हम जो ग्रीवेंस रेज कर पाए पोर्टल पे सक्सेसफुली वो 1,129 है। तो जो डिफरेंस भी अगर आप जानना चाहेंगे क्यों, तो उसमें आप सभी को एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पता है कि क्यों किसी के राशन कार्ड काटे भी गए हैं। अगर किसी का 9,000 से ज़्यादा बिल है, या फिर उनकी जो ITR है उन्होंने लास्ट 3 ईयर्स में भरी है वो 1,80 से ज़्यादा की है, तो ऐसे रीजंस की वजह से अगर उनका काटा गया है, वो एक्सक्लूजन में आ रहे हैं तो उनका काटा गया है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको काउंसिल किया जाता है, उनको बताया जाता है, तो वो पर्सन अग्री हो जाता है, तो वो ग्रीवेंस रजिस्टर नहीं कराता है, इसीलिए भी ये डिफरेंस है। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ग्रीवेंसेस हम रजिस्टर तो कर ही रहे हैं, बट माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 जनवरी को ही ये भी घोषणा की थी कि वो ऐसा भी बताएंगे कि जो टर्न अराउंड टाइम है सभी ग्रीवेंसेस का वो 2 वीक ही रहे। तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं, क्रिड हेडक्वार्टर भी ये कोशिश कर रहा है कि जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो जल्द से जल्द 1 हफ्ते 2 हफ्ते में रिजॉल्व हों और आदमी का जो भी प्रॉब्लम है उसका निस्तारण हो। इसके अतिरिक्त ये बात ज़रूर है, ये ऑनरेबल CM ने भी डिक्लेयर किया है कि किसी को इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिसंबर 2022 में तो किसी का भी राशन परिवार पहचान पत्र की वजह से नहीं काटा गया है। एंड इसके अलावा जनवरी 2022 में भी किसी भी पात्र व्यक्ति का राशन तो बिल्कुल भी नहीं काटा जाएगा, तो राशन तो मिलेगा ही मिलेगा। ये ज़रूर है कि इसके नेक्स्ट फेज़ में, पहले अभी तो क्या हुआ कि साथ ही साथ उसको मैसेज चला गया कि आपका कार्ड काट दिया गया, पर इसके अगले फेज़ में तो वो मैसेज भी नहीं जाएगा। मैसेज जो जाएगा वो भी इतना जाएगा कि आप इस कैटेगरी में, आपकी 1,80 से ज़्यादा है, तो अगर आपको चैलेंज करना है तो आपको ये 1 या 2 हफ्ते का समय दिया जाता है। तो आदमी फिर अपना, जो भी पर्सन है, कंसर्न पर्सन है, वो अपना डॉक्यूमेंट देगा, तो एक तरीके से उसको नोटिस पीरियड मिलेगा, फिर जाके उस पर कोई भी कार्रवाई होगी। तो वैसे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों की, जो संख्या है जो ऑफिसेज में पहुंच रहे हैं इस परेशानी को चलते हुए काफ़ी है, परंतु हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी की ग्रीवेंसेज रजिस्टर हो जाएं और उन पे हम नियमानुसार कार्रवाई करवाते रहें। किसी को अगर अपनी इनकम को करेक्ट करवाना है तो उसको भी करेक्शन मॉड्यूल में डाला जा रहा है और उसकी वेरिफिकेशन को हम फास्ट करवा रहे हैं। दैट्स इट, थैंक यू। आपने भी कार्डों की संख्या बताई,
तुमने कितने ऐसे कार्ड हैं जो कट गए हैं? इसमें जो डेटा हमारे पास डीएफएससी विभाग से है वो इतना ही है कि टोटल, ये तो हमें क्रेड हेडक्वार्टर से पता चलेगा कि कितने तो कटे हैं और कितने जुड़े हैं, बट हमारे पास अभी डिफरेंस ये है कि हमारा, हम पॉजिटिव में ही हैं, जो पॉजिटिव हमारा एटलीस्ट जिले का 381 है। 381, हाँ जी, ये डेटा हम आपसे भी शेयर कर देंगे। कारण क्या रहा इन, जैसा आपने बताया कि 180,000 का रेशो है, इसलिए ज़्यादा बढ़ गया तो वो कट गया, कारण क्या रहा? ये इनकम वेरिफिकेशन का ही सारा फंडा है इसमें, तो वो कैसे चेंज हो गया? अच्छा, तो इसमें चेंज कुछ नहीं हुआ, जो कारण है वो यही है कि अभी हरियाणा सरकार का जो मोस्ट रीसेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि रादर देन हैविंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बीपीएल कार्ड्स, हमारा जो बीपीएल कार्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा कि 180 से जिसकी भी सालाना आय कम है उस परिवार को राशन, बीपीएल राशन कार्ड मिलेगा और उसको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ऐसे में परिवार पहचान पत्र या फिर जो हमारा क्रेड है, हम बहुत समय से इनकम वेरिफिकेशन के प्रोसेस में हैं, तो काफ़ी फैमिलीज़ की इनकम अपनी वेरीफाई हो गई है, तो जिसकी भी 180 से ज़्यादा वेरीफाइड है तो उसका ऑटोमेटिकली राशन कार्ड कटा है। और सिमिलरली अगर किसी की 180 से कम वेरीफाई हुई है और उसको किसी ना किसी रीज़न के चलते पहले कभी उसका राशन कार्ड नहीं बना, तो उसको ऑटोमेटिकली उसका राशन कार्ड बना भी है। एक तो 180 का कारण भी है और उसके अलावा जो एक्सक्लूजन हमारी सरकार ने डिसाइड किए हैं, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, उसकी वजह से भी कटा है। अब जैसे 9,000 बिजली के बिल का ही हम एग्जांपल लें, तो ऐसे में अगर कोई अपना बिजली का बिल ला के हमें ये दिखा रहा है कि नहीं हमारा 9,000 नहीं आया एनुअल बिल, हमारा तो उससे कम आया है, तो वहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पे हम उसका एक्चुअल बिजली का बिल अपलोड करके फिर वहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि नहीं इसका ठीक है, इसको मतलब दिस इज़ द करेक्ट डॉक्यूमेंट एंड इसका राशन कार्ड बनना चाहिए या नहीं। एक तो आपको क्या है कि जो डेटा इंटीग्रेशन है वो बहुत जगह से हो रहा है, तो ऐसे में ये किसी भी सरकारी स्कूल के टीचर ने कहा और उस फोन किया और उसको क्या रिप्लाई दिया गया, इन कॉन्वर्सेशंस के बेसिस पे कोई भी सरकारी डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। आप ये भी पूछ रहे हैं आपके बच्चे का रोल नंबर बताओ, आप ये जो टीम लीड्स हैं अपनी इनकम वेरिफिकेशन कमेटी में, वो अलग अलग तरीके से आदमी की इनकम को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो कोई अगर एक सवाल पूछ रहा है तो कोई दूसरा सवाल भी पूछ रहा है। और जाहिर सी बात है कि किसी के भी बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसे आइडिया लगाया जा सकता है कि इस आदमी की 180 से ज़्यादा ही होगी, तो वो क्वेश्चन वो इसलिए पूछते होंगे, परंतु उसका रीज़न ये नहीं है। आप ये समझें कि जो क्रेड है, मतलब क्रेड है, उसमें बैकग्राउंड में बहुत सारी एक्सरसाइज चल रही है, जो परिवार है वो रजिस्टर्ड हैं, जहाँ बच्चे जा रहे हैं उनके माँ बाप कहाँ काम करते हैं, लेबर डिपार्टमेंट में भी डेटा रजिस्टर्ड है, तो डेटा बहुत जगह है जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि आदमी, अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हमारी इनकम भी सरकार को पता है, तो उन्हें पता है कि भाई हम कौन से इनकम रेंज में आते हैं, सो दैट इज़ इट। तो इट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी फोन कॉल कि किसी का राशन कार्ड काटा जा रहा है, ये बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसमें ये ज़रूर है कि इतने बड़े स्तर पे अगर कोई एक्सरसाइज होती है जिसमें कि सरकार की जो मंशा है वो ये है कि सभी पात्र व्यक्तियों को तो फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले, और अपात्र व्यक्ति हट जाएं, तो इसमें थोड़े बहुत तो जो इनकन्वीनियंस है वो होना जायज़ है, पर फिर भी हम इस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं कि कोई भी अपात्र व्यक्ति, कोई भी पात्र व्यक्ति अपने बेनिफिट से ना छूटे, इसलिए उनकी ग्रीवेंस रजिस्टर भी हो और उसका रेजोल्यूशन हम समय रहते करें। इसके लिए अब हम प्रशासन जो है वो पूर्णतः सरकार की जो गाइडलाइंस है, हमारे ऑनरेबल CM के, PSCM की जो गाइडलाइंस है, उन पे चल रहे हैं और वो भी इस प्रकार का सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि आम जनता को कम से कम परेशानी हो। ये उन्हीं के निर्देश से हमसे भी फीडबैक लिया गया था कि सभी, हर इंसान को जो अलग अलग गांव ढाणी में भी है उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ना आना पड़े, इसीलिए हम ब्लॉक में अपने अपने जो ZCRIM है उसको बिठाएं और वहाँ पे उसकी ग्रीवेंस रजिस्टर हो। इनफैक्ट ये भी हमारा सजेशन लिया गया कि कोई अगर ब्लॉक लेवल पे भी ना जाना चाहे तो गांव के लेवल पे जो लोकल ऑपरेटर रजिस्टर्ड है उस पे वो ग्रीवेंस रजिस्टर करा पाया। तो ये सारे हम स्टेप्स ले रहे हैं। हमारी तरफ से एक स्टेप और है कि अगर कोई ZCRIM के पास नहीं भी गया और सीधा ADC ऑफिस आया तो वो हमारे ऑफिस में ही मिलता है, कोई ऐसा कोई मतलब बार ही नहीं है कि कोई हमसे नहीं मिल सकता। हमारी कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द उसका काम हो। अब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो उसमें हम टोकन सिस्टम चालू कर देते हैं, अदरवाइज दीज आर द स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन बाय अस।
जिले में अब तक कितने लोगों की ग्रीवेंस हो चुकी है? जिले में अभी तक हमने एटलीस्ट एक, क्योंकि ग्रीवेंस पोर्टल तो बहुत पहले से चल रहा है, 1 जनवरी से तो हमने 1129 तो ऐसी हैं जो हमने पोर्टल पे लॉग कर दी हैं grievance.edisha पे। इनकम वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो सक्षम युवाओं को और सोशल वर्कर को भी इसमें लगा रखा। कई बार ये देखने में आता है कि उनको मोबाइल एप्लीकेशन भी चलाना नहीं आती और इनकम वेरिफिकेशन फिर वो करेक्ट नहीं हो पाती है। ऐसे ही आंगनबाड़ी वर्कर को भी सोशल वर्कर के रूप में शायद लगा रखा है, लेकिन कई हमारे पास शिकायतें आती रहती हैं वार्ड मेम्बर की भी कि आंगनबाड़ियों को भी सोशल वर्कर के रूप में लगा रखा है लेकिन उन्हें मोबाइल एप्लीकेशन चलाना नहीं आती। ऐसे में जो भी, जब भी हमने इनकम वेरिफिकेशन में, आप सभी जानते हैं कि चाहे वो लोकल कमेटी हो चाहे सेक्टर कमेटी हो, उसमें 5-5 मेंबर्स की टीम है। जब भी हम किसी भी नए सेट ऑफ मेंबर्स को रजिस्टर करते हैं तो उनकी बकायदा ट्रेनिंग होती है। इनफैक्ट जब हमने दिसंबर के महीने में कैंप्स भी लगाए थे, उस कैंप को लगाने से पहले भी हमारी टीम ने पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो भी रजिस्टर्ड है उनकी ट्रेनिंग हुई थी। परंतु ऐसा अगर कोई शिकायत है कि बहुत ज़्यादा नंबर में आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनको नहीं चलानी आती, तो ये तो मुझे आज आपसे ही पता चल रहा है। ये ज़रूर है कि उनका काम बहुत स्लो है, क्योंकि वो पहले बहुत रीजंस की वजह से नहीं कर रहे थे, उनको काउंसिल भी किया गया। तो अगर वो हम वापस एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे उनके लिए, और अगर उसका कोई और समाधान निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। पर सक्षम्स का तो जो मेरे को फीडबैक मिला है, ये आप अलग से कह रहे हैं तो मैं इसकी भी जांच कर लूँगी, बट अदरवाइज सक्षम युवास का जो मुझे अलग से फीडबैक मिला है, वो तो इनफैक्ट कुछ कुछ टीम लीड्स को भी रजिस्टर करते हैं। सक्षम्स जो है उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हमारा डिपार्टमेंट कराता है, और वो इनफैक्ट इनकम वेरिफिकेशन में एजुकेशन डिपार्टमेंट से फास्टर। लेकिन CSE सेंटर्स की हम बात करें तो जो निर्धारित फीस जो होती है उससे कहीं को ज़्यादा वसूल रहे हैं। इस बात को DC साहब ने भी माना था जब उनको पिछले दिनों ज्ञापन दिया गया था। तो CSE सेंटर जो है परिवार पहचान पत्र हो, आयुष्मान कार्ड हो, चिरायु हो, तो सरकारी फीस उससे ज़्यादा वो क्लेम करते हैं आम लोगों से। इसके लिए भी कुछ किया जाएगा, कुछ एक्शन लिया जाएगा? ये एक बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट इशू उठाया, और ये इसकी शिकायतें भी काफ़ी आ रही हैं। और इस, क्योंकि अब पब्लिक में थोड़ा सा पैनिक सा क्रिएट हो गया जब उनको राशन कार्ड कटने का मैसेज आया, तो इस चीज़ का फ़ायदा वो लोग उठा ले गए। तो ऐसे में पिछले बारी दिसंबर में हमें जब कुछ CSE ID डीएक्टिवेट कराने थे, उसमें कुछ देरी हुई थी, परंतु अब ये इंश्योर कर लिया गया है कि कहीं से कोई शिकायत आती है तो मॉर्निंग में भी अगर हमारे पास ऐसी शिकायत होती है तो बाई इवनिंग तो ऐसा CSE ID ही डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो वन इज़ दैट, परंतु अगर किसी की और किसी इलिसिट एक्टिविटी में कि कोई बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो उसके खिलाफ तो हम कार्रवाई भी करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो FIR भी होगी अगर वो लोगों को इस प्रकार से लूटा जाए गवर्नमेंट स्कीम्स को चलाने में। किया गया पिछले 1-2 महीने में कितने डीएक्टिवेट हुए? डीएक्टिवेट का डेटा मेरे पास अभी नहीं है, परंतु मैं आपको उसको उपलब्ध करा दूंगी। डीएक्टिवेट हमने पिछले महीने में कुछ IDs किए थे। तो